स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 3 अपने क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनरशिप, व्हेनेवर टू और मोर पर्सन स्टार्टिंग बिजनेस टुगेदर फॉर द अर्निंग पर्पस, दैट्स आर कॉल्ड पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनर्स, जो पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। ओके, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनरशिप डीड, ए रिटन डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन द पार्टनर्स, दैट्स आर कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। What are things including the partnership deed? Now, what purpose partnership deed is prepared? Future doubts, future problems, future disputes को solve करने के लिए partnership deed maintain की जाती है। What things are including partnership deed? Salary, commission, bonus, interest on capital, interest on loan, interest on drawing, profit sharing ratio, all things are covered in partnership deed. Sir, सबसे important question theory में, student वापस क्या है theory में important question? If partnership deed is not maintained, if partnership deed is not maintained, then Partnership Act 1932 provision are applicable. And what says provision of Partnership Act 1932? Partnership Act 1932 says that 6 rule are applicable compulsory basis if deed is not maintained. 6 rule are applicable compulsory basis if deed is not maintained. So repeat again, 6 rule. First rule, no salary, no commission, no bonus to any of the partner. Second, no interest on capital. Third, no interest on drawing. Rule number 4, interest on loan charge, but maximum rate 6% per annum. Okay. Rule number 5, profit sharing ratio equal. Rule number 6, if all partners consent are not received, then admission of partner is not possible. Okay. इसके बाद अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, कल का टॉपिक आपको रिवाइज कर दूं। हमेशा स्टूडेंट एक बात आपको रिपीट कर रहा हूं, चाहे कुछ भी पढ़ो, आप अकाउंट्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, बिजनेस स्टडी पढ़ो, आप किसी भी टॉपिक की रिवाइज करो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, हमेशा क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करो, हमेशा टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करो, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन को भी समझने के लिए फोकस इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी समझने के लिए उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला क्वेश्चन, लोन कहां कहां से ले सकता है फर्म, लोन कहां कहां से ले सकती है बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, मार्केट से या पार्टनर से, पहला डाउट। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि लोन केवल पार्टनर से लिया जा सकता है, नहीं, लोन मार्केट से भी लिया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, लोन ले लिया, इंटरेस्ट पेड करना है, क्या रेट लगेगी। इफ डीड इज मेंटेन, देन जो भी रेट डीड में गिवन है वो रेट आपको अप्लीकेबल करनी है, चाहे 10% हो, 8% हो, 12% हो। इफ डीड इज नॉट मेंटेन, देन मैक्सिमम रेट 6%, मैक्सिमम वर्ड बोल रहा हूं। ओके, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, लोन कहां से ले सकते हैं, रेट क्या लगेगी। थर्ड, सर ये भी पता चल गया कि लोन ले लिया है, इंटरेस्ट भी देना है, रेट का भी पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे होगी। फॉर्मूला इजी, पी इंटू टी इंटू आर, प्रिंसिपल अमाउंट जितने का लोन लिया, टी जितने टाइम पीरियड आपके पास रहा, आर जो भी आपकी रेट लगी। रेट डीड और नॉट डीड में आपको क्लियर करा चुका हूं। रूल नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सीधा मीनिंग यहाँ पे वर्ड में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना, पार्टनरशिप के 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर कंटिन्यूस एक दूसरे से रिलेटेड है। पूरा फर्स्ट चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है, इसके अंदर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का बहुत रोल होता है। IOL इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट मीन्स चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो, चाहे फर्म के पास लॉस हो, चाहे फर्म के पास सफिशियंट प्रॉफिट हो, चाहे फर्म के पास इनसफिशियंट प्रॉफिट हो, हर केस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है। कल अपने एक दो क्वेश्चन किए थे, आज इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन लोन का देखना। XYZ तीन पार्टनर है, XYZ तीन पार्टनर है आपके बिजनेस के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। इस रेशियो में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गिवन है। ओके, आगे एक ये गिवन है, वर्ड ध्यान से देखना, आगे एक लाइन लिखी हुई है डीड इज नॉट मेंटेन, आगे लाइन लिखी हुई है कि डीड इज नॉट मेंटेन। ओके, आगे लिखा हुआ है मिस्टर एक्स गिव एडवांस कितना 80,000। ओके, मिस्टर वाई ने दिया है आपको 40,000 और मिस्टर जे ने दिया आपको 20,000 एडवांस के तौर पे आपको दिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट
बिफोर आईओएल, प्रॉफिट बिफोर आईओएल आपको गिवन है 1 लाख का। क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है, काफी दिक्कत आ सकती है, ध्यान से देखना, फोकस रखना पूरा। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2:1 का है, डीड इज नॉट मेंटेन, क्वेश्चन में क्लियर गिवन है। मिस्टर एक्स ने एडवांस दिया था 80,000 का, मिस्टर वाई ने आपके फर्म को एडवांस दिया था 40,000 का, मिस्टर जेड ने एडवांस दिया था 20,000 का। एडवांस देने का मतलब हो गया स्टूडेंट लोन, एडवांस देने का मतलब क्या हो गया लोन। और इफ नथिंग डेट इज गिवन, इफ डेट इज नॉट गिवन कि लोन एडवांस कब दिया, तब हम क्या एज्यूम करेंगे कि इन्होंने लोन एडवांस कब दिया, मिड ऑफ द ईयर। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहले कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन लोन की। एक्स ने भी लोन दिया है, वाई ने भी लोन दिया है, जेड ने भी लोन दिया है। क्वेश्चन में कहीं भी डेट गिवन नहीं है कि लोन किस डेट पे दिया है, तो अपन क्या मानेंगे कि लोन कब दिया है, मिड ऑफ द ईयर। फॉर्मूला क्या है लोन कैलकुलेट करने का, पी इंटू टी इंटू आर, प्रिंसिपल अमाउंट। एक्स ने कितने का लोन दिया आपको 80,000 का, कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे मिड ऑफ द ईयर, अक्टूबर में लोन दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डीड इज नॉट मेंटेन तो क्या मानेंगे 6% पर है ना, ये लग गया फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत, बहुत ही इजी चीज है, लोन की अमाउंट, टाइम और रेट। वाई ने कितने का दिया था 40,000 का, कुछ भी डेट नहीं गिवन तो क्या मानेंगे मिड ऑफ द ईयर, रेट क्या मान लेंगे 6%। कुछ भी डेट नहीं गिवन है जेड के केस में भी, तो रेट क्या रहेगी, टाइम क्या रहेगा 6 मंथ, रेट क्या रहेगी 6%। ओके सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो इंटरेस्ट की, यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2400, यहां पे आ जाएगा आपका 1200 और यहां पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, टोटल कर दो इनकी, टोटल कितना हो गया आपका 2400 प्लस 1200, 3600 प्लस 600, 4200 आपका क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंसिव है, यस। प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा, यस। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है आपको 1 लाख का, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया 4200 का, क्या सफिशियंट प्रॉफिट है, यस। अब क्वेश्चन में जो एक लाइन दी हुई है वो कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1, यही तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं, डीड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट था आपका 1 लाख, 1 लाख में से 4200 आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के लेस कर दिए, कितना बचा 95,800, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था। ये क्या था 95,800 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, ये डिस्ट्रीब्यूट करना था तीनों पार्टनर में। अगर किसी स्टूडेंट ने जल्दबाजी में क्वेश्चन सोल्व कर दिया और इस 95,800 को एक्स में वाई में और जेड में, एक्स में वाई में और जेड में किसी ने गलती से भी 3:2:1 में कर दिया कि सर क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1 में कर दिया, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि एक ही चीज लिखी हुई है कि डीड अगर मेंटेन नहीं है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, डीड अगर मेंटेन नहीं है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वल इक्वल इक्वल। तो चाहे रेट क्वेश्चन में गिवन आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं करना है। अगर रेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन भी है पर डीड मेंटेन नहीं है तो आपको प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में। कोई दिक्कत इसमें, चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, और क्वेश्चन देखते हैं, और बताओ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकला अपना कि चाहे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो, चाहे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन अगर डीड मेंटेन नहीं है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा ऑलवेज इक्वल इक्वल इक्वल। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई पार्टनर से आपके, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पार्टनर आपके बिजनेस फर्म के, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पार्टनर आपके बिजनेस फर्म के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2, ठीक है। मिस्टर एक्स ने आपको एडवांस दिया है, मिस्टर एक्स ने आपको एडवांस दिया है 1 अप्रैल को 80,000 का, मिस्टर एक्स ने आपको एडवांस दिया है 1 अप्रैल को 80,000 का, मिस्टर वाई ने आपको एडवांस दिया है, मिस्टर वाई ने आपको एडवांस दिया है 1 अक्टूबर को 40,000 का, ठीक है।
ठीक है, और आपको चार केस दिए हैं, चार केस दिए हैं। फर्स्ट केस प्रॉफिट अवेलेबल है आपको 10,000 का, सेकंड केस प्रॉफिट अवेलेबल है आपको 5,000 का, थर्ड केस आपके फर्म में ऑलरेडी लॉस चल रहा है 3,000 का, आपकी फर्म में ऑलरेडी लॉस चल रहा है 3,000 का। क्वेश्चन देखना, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। मिस्टर एक्स ने एडवांस दिया था 1 अप्रैल को 80,000, मिस्टर वाई ने एडवांस दिया था 40,000 1 अक्टूबर को। फर्स्ट थिंग्स, डीडी के बारे में कुछ नहीं दिया, बस कि डीडी मेंटेन है या नहीं, डीडी के बारे में कुछ भी नहीं दिया। क्या मानेंगे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन डीड इज नॉट मेंटेन, कि डीड आपकी मेंटेन नहीं है, और अगर डीड मेंटेन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी लेना देना नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रह जाएगा, इक्वल इक्वल। सेकंड थिंग्स, डीड मेंटेन नहीं है सर, तो अब आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रह जाएगा, 6% पर एनम मैक्सिमम। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आंसर चाहे केस कुछ भी दिया हो आपको, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे, एक्स और वाई ने इंटरेस्ट दिया था, एक्स ने आपको पैसा दिया था 80,000 का, कब दिया था, 1 अप्रैल, ये तो पूरे 12 मंथ रहा था, तो पूरे 12 मंथ रहा था, 12/12 रेट क्या लगी, 6% पर एनम। फॉर्मूला क्या है, पी टी आर प्रिंसिपल अमाउंट, पी टी पूरे 12 मंथ रहा था तो ये तो कट हो गया आपका, ये आपका टोटल इंटरेस्ट बन के कितना आ गया 4,800। सेकेंड केस 40,000, इसमें 6 मंथ रहा था आपका पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन वही, क्या जाएगा आपका इंटरेस्ट 1200, टोटल इंटरेस्ट कितना बना स्टूडेंट 6,000, इंटरेस्ट बना 6,000। अब आपको कुछ चीजें क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको पैसा देना ही देना है। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया 6,000। अब मैं तीनों केस सोल्व करवाता हूँ। केस नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट कितना था आपके पास अवेलेबल 10,000, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है स्टूडेंट 6,000, लेस कर दो प्रॉफिट कितना बचा 4,000, दोनों पार्टनर को दे दो, एक्स को और वाई को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये नहीं लगेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लगेगा, इक्वल इक्वल 2,000 और 2,000, डन। ठीक है, केस नंबर बी इधर करवा रहा हूँ, केस नंबर बी, अब आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया आपके पास 6,000, आपको यहाँ पे क्या आ चुका है 1,000 का लॉस, ये लॉस दोनों पार्टनर एक्स और वाई में 500-500 का लॉस दोनों बियर कर लेंगे, क्योंकि आपको लोन तो देना ही देना है पैसा। तो थर्ड केस, थर्ड और लास्ट केस, आपके फर्म में पहले लॉस चल रहा था कितने का 3,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे कितने का 6,000 का, तो न्यू लॉस कितने का हो गया आपका 9,000 का, जो दोनों पार्टनर में इक्वल इक्वल चल जाएगा 4,500 और 4,500, डन। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन लोन के दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन रॉ।